देखिए देवा गुजर की जो निर्मम हत्या कोठा चित्तौड़ राडोद्यान चरखंड हुई, गुजर समाज के अंदर नौजवानों में लोग पूजे थे और समाज सेवा करते थे, ऐसा नहीं कोई पृष्ठभूमि इस तरह की नहीं थी। और निश्चित रूप से इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड होता है तो किसी राजनीतिक शह के बिना इस तरह जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों में हो, जिसको इतना लोग पसंद करते हो, अपना आइकन मानते हो, उस व्यक्ति की हत्या कहीं कहीं राजनीति संरक्षण के बिना नहीं होती। इसके अंदर मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि वहां के जो विधायक राजेंद्र विदोड़ी है बेगू के, उनका नाम बार बार आ रहा, परिजन भी मुझे बता रहे हैं, और राजेंद्र विदोड़ी के साथ बड़े सरकार में जो बड़े मंत्री और कई लोग हैं कोटा के पुराने कांग्रेसी नेता, उनका भी नाम आ रहा है। जैसा एक लड़का इस चीज पर बता रहे हैं कि जो लड़का नवनीत और दो चार लोग हो रहे हैं जिन्होंने कल अटैक किया था, ये लोग इसके मास्टर माइंड थे और ये पकड़ से दूर है। कहीं कहीं पुलिस तक क्योंकि छिपा रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान में पिछले 3 महीने के दौरान जोरीलाल मीणा जो कांग्रेस का विधायक, उसका बेटा गैंग रेप के अंदर शामिल पाया जाता है, अभी आपके महेश जोशी जो मंत्री है सरकार के सीएम के करीबी है, इनका बेटा धर्म बदल के शादी करता रहा, FIR यहां दर्ज नहीं होती, दिल्ली के अंदर होती है, इसको भी न्याय नहीं मिलता। मलिंगा अयन को कार्यालय में जाकर पीटता, सीएम उसको सरेंडर कराते घर पे बुला के, और ये और कहता है कि देखिए तीन ही चोट है, जैसे कोई जलो साहब ने MBBS वो आपकी स्पेशलिस्ट हो गए डॉक्टरी के अंदर, जो चोटें गिरने लगे, मुख्यमंत्री चोटें बता रहा है। महेंद्र चौधरी का पूरा परिवार नमक व्यवसायी जयपाल पूनिया की हत्या करता है और राजेंद्र विदोड़ी का नाम देवा गुजर हत्याकांड के अंदर प्रमुखता से आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी इससे पहले आरोप लगते, बीजेपी की सरकार के एनकाउंटर भी राजस्थान के अंदर हुए थे। दुर्भाग्य इस बात का कि इतनी बड़ी जघन्य घटनाएं होने के बाद भी, इतने बड़े अपराध होने के बाद भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें होती है, जेपी नड्डा आते हैं, तमाम बीजेपी के नेता आते हैं, लेकिन राजस्थान के किसी मंत्री और किसी विधायक पर जो आरोपी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देते। ये मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर। हाँ, बीजेपी के नेता हो सकता है प्रत्येक पीछे से देवा गुजर के परिवार को चलाने के लिए भी बात करते होंगे, लेकिन इनकी डिमांड है CBI जांच मुआवजे की, बाकी मुजरिमों को पकड़ने की। तो CBI जांच के बिना MLA की आप जांच नहीं कर सकते, इनकी मांग है। मैं ये नहीं कहता, मैंने कोई तफ्तीश नहीं करी, लेकिन परिवार कह रहा है कि राजेंद्र विदोड़ी का हाथ है इसके अंदर। तो ये सारे मामले मैं चाहता हूँ जिन जिन मामलों में विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री करीबी लोगों का नाम आ रहा, उन तमाम मामलों को सीएम को CBI को देना चाहिए, क्योंकि 8 से 13 के अंदर इन्हीं अशोक गहलोत ने, महिपाल मदेरणा, बाबूलाल नागर और मलकांत सिंह के नाम आए थे, तब CBI को फाइल ने दे दी थी अपना आप, तब संवेदनशीलता थी, और अब संवेदनहीनता कैसे होगी? या इनके दिमाग में कहीं कहीं ऐसी बात होगी कि कुछ लोग तो मेरे विरोधी हैं, इनकी मानसिकता के अंदर कुछ वर्ग मेरे विरोधी हैं और कुछ लोगों को मुझे दूसरे तरीके से हैंडल करना है। तो अब की बात जो मुख्यमंत्री का सिस्टम है, ये सरकार क्योंकि गिर रही थी, जो सरकार बचाने में लोग थे, हर मुख्यमंत्री का नजदीकी विधायक अपने इलाके का मुख्यमंत्री बन गया, वो वहाँ SDM DYSP SP के साथ मिलकर खुलेआम गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर कर रहा है, और बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। ये मिला जुली का गठबंधन राजस्थान के अंदर होगी, बीजेपी धड़ों के अंदर बंटी हुई है। जो CM की सरकार गिर रही थी, भाजपा ने मदद करी, हम लोग वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हम लोग। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर आम आदमी को न्याय मिले, रोजगार, किसान खुशहाल किसानों, और कानून का राज राजस्थान के अंदर। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे निकले सुरक्षित रहे। ये जो प्रमुख अभी अपराध राजस्थान के अंदर, चाहे एम्बुलेंस के अंदर रेप की घटना हो, थानों के अंदर हो, जिस तरह पुलिस का वीडियो वायरल होता है और विधानसभा सत्र चलता है, उसमें बीजेपी एक शब्द नहीं बोलती, क्योंकि जो DYSP सैनी है वो कांग्रेस का भी नजदीकी है, बीजेपी के नेताओं का भी नजदीकी है। परिवहन घोटाला होता है, प्रताप सिंह का नाम आता है, बीजेपी एक शब्द नहीं बोलती। रीट भर्ती के अंदर बीजेपी स्टैंड लेती विधानसभा के अंदर कि हम विधानसभा ठप करेंगे, RLP साथ होती है, RLP को अकेले छोड़ गए और भाजपा विधानसभा चलाना लग जाती है। तो साफ साफ संदेश है कि बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं। मोदी जी भी सोशल उस वर्चुअल के अंदर कितना आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वंशवाद। तो जब प्रियंका के पति और राहुल की फाइलें आपके पास है, प्रधानमंत्री जी आपके पास ED CBI सारे सिस्टम है, आपको गरीब आदमी बोलता है उसके ED भेज देते हो, CBI से जांच कराते हो, इनकी जांच क्यों नहीं करा रहे आप? अब प्रधानमंत्री से बड़ा पद तो देश के अंदर कोई होता नहीं, तो उसके बावजूद खाली बयानबाजी करके लोगों में मैसेज देना, करना कुछ भी नहीं। मिला जुली का खेल, पब्लिक को पागल कैसे बनाए, ये तो कांग्रेस करे, ये भारतीय जनता पार्टी करे। और इन मामलों को लेकर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आंदोलन की रणनीति बना रही है। आजकल में बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे राजस्थान के अंदर, जिनमें इन प्रमुख मुद्दों के साथ साथ बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार, किसान और जो बाकी राजस्थान के जो इश्यू हमारे, चाहे केंद्र के हो चाहे स्टेट के हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें 7 रुपये 9 रुपये कम करके कोई एहसान नहीं किया, 50 रुपये उनको कम करने चाहिए, स्टेट को भी एक्साइज और ये जो टैक्स है इसको स्टेट को घटाना चाहिए। आम आदमी को रात राजस्थान के अंदर नहीं मिल रही है, देश के अंदर नहीं मिल रही है, और राजस्थान अपराध में एक नंबर पर आ गया। उसका कारण कांग्रेस भाजपा का मिला जुली का जो 22 साल का गठबंधन था, इसलिए राजस्थान को डुबो दिया। लोग अपना घर भर रहे हैं नेता, और गरीब आदमी बर्बाद हो रहा है। देखिए इनका परिवार मेरे पास है, इनकी पीड़ा देखिए बच्चों की, कि कल भी जब इन्होंने आंदोलन की बात कही तो पुलिस बता रहे हैं कि इनके घर जाके इनको धमका रही थी कि तुम आंदोलन मत करो, तुम्हारे मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल पे मैसेज डालो, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। जैसे ही इनका फोन आया, मैंने कोटा रेंज के IG से तुरंत बात करी, और जहाँ भी मैं पुलिस उच्च अधिकारी से बात करनी थी कल करी, और आज भी इस मामले को लेकर मैं परिजनों को यही विश्वास दिलाता हूँ कि इस न्याय की लड़ाई के अंदर मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और इनको न्याय दिलाने के पूरी प्रयास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान और कोटा अंचल के अंदर जहां भी जरूरत पड़ेगी पूरी मजबूती करेंगे। और जितने भी दोषी है, जिन चाहे कितने ही बड़े अपराधी हो, सारे राजस्थान के दोषी नेता जब तक जेलों में नहीं जाएंगे तब तक आर्मी पार्टी का बड़ा स्टैंड हम आज कल ऐलान करेंगे। उसकी शुरुआत अशोक गहलोत की जोधपुर की दस्ते से हम शुरुआत करेंगे, बड़े आंदोलन का आगाज़ से।